हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आपको ने देखा होगा पिछले जो हमारे वीडियोस थे, जिसमें मैंने आपको अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बताया था, अलग अलग लोकेशन मॉडल के बारे में बताया था। फाइनली हम बिल्कुल अपने फोर्थ और लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है क्वालिटेटिव फैक्टर एनालिसिस मेथड। आखिर क्वालिटेटिव फैक्टर एनालिसिस मेथड होता क्या है? अगर आपने फैक्टर रेटिंग मेथड देखा हुआ है तो क्वालिटेटिव में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप फैक्टर रेटिंग मेथड को देख लीजिए। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेप्स क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेवलप अ लिस्ट ऑफ रिलेवेंट फैक्टर, ये काम तो हमने फैक्टर में भी किया था। आप फैक्टर्स की एक लिस्ट तैयार कर लो। इसके बाद असाइन अ वेट टू ईच फैक्टर टू इंडिकेट इट्स रिलेवेंट इम्पॉर्टेंस, द वेट मे बी अप टू 1। यानी कि अब जब आपने फैक्टर में 1 से लेके 5 तक नंबर्स दिए थे, अब यहाँ पे वेट दीजिए मैक्सिमम 1, यानी कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.3, 0.45, 0.25, मैक्सिमम 1। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, असाइन अ कॉमन स्केल टू ईच फैक्टर, एग्जाम्पल 0 to 100। अब आप जैसे वहाँ पे आपने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स दिए थे, वैसे अब यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए, 0 से 10 ले लीजिए या 0 से 100 ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 0 से 100 ले लिया, हर फैक्टर को हर लोकेशन पे जाकर के आपने चेक किया और 1 से लेके 0 से लेके 100 तक के बीच में आपने नंबर्स दिए। इसके बाद मल्टीप्लाई द स्कोर बाय वेट टू अराइव एट द वेटेड स्कोर। अब आप वेट को जो लोकेशन में आपने नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब प्रोडक्ट मिल जाएगा, टोटल द पॉइंट्स फॉर ईच लोकेशन एंड चूज द लोकेशन विद द मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पे भी वही काम करना है जो फैक्टर में करना था, तो बिल्कुल उठा के समझ लो कॉपी कर लिया है मैंने। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम लोग नंबर्स फैक्टर्स में देते थे, यहाँ पे अब हम लोग डेसिमल्स में भी देंगे। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने वही 5 फैक्टर्स ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, सिविक कम्युनिटीज़। अब इनको मैंने 0 से लेकर के 1 के बीच में इंपॉर्टेंस दे दिया कि 90% रिक्वायरमेंट मटेरियल की है, 75% रिक्वायरमेंट लेबर की हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की 0.3 हो गई, बैंकिंग की 0.5 हो गई और सिविक कम्युनिटीज़ की 0.75 हो गई। अब मैं जब गया लोकेशन ए में, तो मैंने उनको उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से नंबर्स दे दिए 0 से लेकर के 100 के बीच में। इसी तरीके से मैंने बी में भी दे दिए। अब मेरा क्या काम हो गया, अब मैंने फैक्टर रेटिंग को ए से मल्टीप्लाई किया और मुझे प्रोडक्ट मिल गया। इसी तरीके से पहले मैंने ए का निकाला, फिर इसी तरीके से मैंने बी का निकाला और जो भी आया वो मैंने मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद इनका जो भी टोटल आया, इन टोटल में जिसका टोटल सबसे ज़्यादा आया है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों सेलेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आपको मैंने चारों लोकेशन मॉडल्स बताए हैं, मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि एक बार दोबारा से चारों को देखिए और फिर भी कोई डाउट हो तो बेहिचक आप हमारे पास कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू एंड वेरी हैव अ नाइस डे।